सुनील, आप आज या किस कॉज के लिए खेलेंगे? सर, विप्ला फाउंडेशन जो मेरी मदर इन लॉ ने शुरू किया था। क्या है ये विप्ला फाउंडेशन? सर, विप्ला फाउंडेशन चाइल्ड एजुकेशन और ज्यादा करके जिसमें मैं फोकस रहा हूँ, पिछले 32 साल से फोकस्ड हूँ, तो वो अर्ली इंटरवेंशन फॉर हियरिंग एंड कॉक्यूलर इम्प्लांट, जो सर्जरीज होते हैं, जो अब बहुत ही महंगे सर्जरीज होते हैं, वहाँ बच्चों को 90% 99% डेफनेस से बचाया जा सकता है। सुनील, हमारे पास एक वीडियो है जी आपकी फाउंडेशन के ऊपर जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम सुंदरी मौर्या है और मेरी बेटी का नाम दिव्या मौर्या है। वो खेल रही थी बाहर, तो उसको आवाज दी दिव्या दिव्या करके, तो वो नहीं देखी, तो बोले ये सुनती नहीं क्या? तभी हमें बहुत बुरा लगा। हर पेरेंट का सपना है कि वो अपने बच्चे की नॉर्मल लाइफ दे। घर में टाइल्स है, बर्तन गिरा, पेट है, तो वो डर गई, लेकिन ये नॉर्मल बिहेव कर रहा था। जब बच्चे बोलते थे तो मुझे ऐसा लग, मेरी बेटी कैसे ऐसे बोल पाएगी, कभी बोलेगी ऐसे? दिखाया कान का डॉक्टर को, वो लोग बोले वो ऑपरेशन को के लिए इम्प्लांट कर सकती हो आप। 7.5 लाख रुपया खाली इम्प्लांट का होगा। शौहर मेरे टैक्सी चलाते हैं, तो वो भी इतना नहीं कमा पाते। एक फ्रेंड थी, वो हमें बताए, वहाँ से डॉक्टर ने हमें यहाँ पर भेजे। जो थेरेपी यहाँ पे की जाती है वो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जिसको कहा जाता है, तो हम एक दिन के बच्चे के भी जांच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनको सुनने की तकलीफ है या नहीं। जो थेरेपिस्ट वगैरह हैं उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। फिर एक उम्मीद जगी कि अच्छा हाँ चलो मशीन पहन के सुनेगी तो वो बात करने लगेगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी वो बराबर से बात कर रही है और सामने वाला भी सुन सकता है, समझ सकता है। बोलो मम्मा। जो इतने सालों तक हमने इंतजार किया है मम्मी पापा सुनने के लिए, बहुत खुशी, ऐसा लग रहा था सब कुछ मिल गया। अभी मैं धोनी को थैंक यू कहना चाहूंगी। इससे होगा ये कि सर कितना दुख होता है छोटे बच्चों को जब तकलीफ हो जाती है। एब्सोल्युटली सर। आप कुछ कह रहे थे सुनील? नहीं सर, ये मैसेज भी अगर बाहर चला जाए, हाँ, तो वो अवेयरनेस भी अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू वेरी मच। नहीं, नॉट एट ऑल। इलाज कराने में खर्चा कितना होता है सुनील? 15 लाख तक एक बच्चे का, अगर हम सर्जरी के साथ कॉक्यूलर इम्प्लांट के साथ करें तो 15 लाख रुपए तक। तो करते क्या है सर्जरी में? कुछ इम्प्लांट करते हैं? इम्प्लांट करते हैं अंदर, और फिर एक्सटीरियर एक मशीन होता है जो कनेक्टेड होता है। जो मेम्ब्रेन वगैरह या साउंड मेम्ब्रेन उसको तो नहीं छूते हैं? नहीं, एक कोई इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं, और हर बच्चे के पीछे उतना खर्चा है। लेकिन उसके अलावा सर, चाइल्ड अर्ली इंटरवेंशन की भी बहुत जरूरी है। जैसे पैंडेमिक में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हमने देखे, किसी को खाने की प्रॉब्लम थी, किसी को फैमिली के साथ मिलना, ट्रैवल करना। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह था कि पहली बार अगर मैंने फोन उठा के किसी से रिक्वेस्ट किया, और पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक अगर मेरी कनेक्शंस को मैंने इस्तेमाल किया, तो ये इस पहले पैंडेमिक के द्वारा था, जब मशीन्स के लिए बैटरियां नहीं मिल रही थी और बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा था। तो बच्चों को जब सुनाई नहीं दे रहा था तो वो इरिटेट हो रहे थे। माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था क्या था, घर को संभाले, नौकरी संभाले, खाना संभाले, बच्चों को संभाले, तो उसके वजह से पावर यूज करना पड़ा था, क्योंकि हमें 200-300 बैटरियां की जरूरत पड़ती थी। हर 3 महीने के लिए बैटरियों की जरूरत पड़ती थी, बाकी सारी जगह बंद थी। तो यू नो, अलग अलग तरीके के डिफिकल्टीज आते हैं, बट वी मैनेज्ड। ओह नाइस सर, बड़ा नेक काम है ये। अच्छा सर, आशीर्वाद मिलेगा आपको, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सोचा है इसको करने के लिए।